हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे माइंड में दो मेन डाउट्स ज़रूर आते हैं। द फर्स्ट डाउट इज, अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या एटम बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड करेगा? एंड द सेकेंड डाउट इज, अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में सारे पार्ट्स की जब लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उनको कैसे हम डिस्पोज करते हैं जिससे उनका इफ़ेक्ट लोकल एनवायरनमेंट पर ना पड़े? तो इन्हीं दोनों डाउट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अगेन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, फर्स्ट डाउट ये है कि अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में इफ़ बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक एटम बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड नहीं करेगा, क्योंकि एक एटम बॉम्ब में जो फिजाइल मटेरियल होता है, और फिजाइल मटेरियल कौन सा होता है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, फिजाइल मटेरियल वो होता है जो मॉडरेटर के साथ मिक्स्ड होता है। किसके लिए? न्यूट्रॉन्स की स्पीड कम करने के लिए। पर फ्रेंड्स, वहाँ पे मॉडरेटर के साथ जो फिजाइल मटेरियल मिक्स होता था वो बहुत लेस रिएक्टिव होता था, पर लेकिन एटम बॉम्ब में क्या होता है, जो फिजाइल मटेरियल होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, वो सारे न्यूट्रॉन्स को सडनली एक कलेक्ट करता है और उसे कंप्रेस कर देता है और सडनली उन्हें कन्वर्ट कर देता है किसमें, एक डेंस मास में। तो उसकी वजह से न्यूट्रॉन्स की बहुत क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एटम बॉम्ब में एज़ कम्पेयर टू मॉडरेटर में, या फिर हम बोले न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और सेकंड इसका रीज़न ये है कि वो एक्सप्लोड क्यों नहीं करता एटम बॉम्ब के जैसे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है हमारा डॉपलर इफेक्ट शो करता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जैसे कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, 235 एंड 238। 235 जो होता है वो होता है फिजनेबल, एंड 238 जो होता है वो होता है हमारा फर्टाइल या फिर फिजाइल। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे जो 238 वाला जो होता है वो उसकी इतनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है न्यूट्रॉन्स की, तो वो क्या करेगा, वो हमारे न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी को कम कर देगा। तो उससे क्या होगा, हमारे न्यूट्रॉन्स जो हमारे अवेलेबल होंगे फिजन प्रोसेस के लिए U235 यूरेनियम के लिए, वो इतने कम होंगे कि वो एकदम से कम होने लग जाएंगे धीरे धीरे, और उसके वजह से क्या होगा, रिएक्टर हमारा स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और फ्रेंड्स, अगर हम फर्दर सेफ्टी के लिए देखें तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मॉडरेटर्स भी यूज होते हैं, कूलेंट्स भी यूज होते हैं, उसके बाद ट्रिपिंग अरेंजमेंट आर यूज एज द कोर टेम्परेचर राइजेज 40 डिग्री सेल्सियस अबव द नॉर्मल कंडीशंस। अब ट्रिपिंग अरेंजमेंट कौन से होते हैं फ्रेंड्स? ट्रिपिंग अरेंजमेंट हम उन्हें बोलते हैं, एक तरह से एक मैकेनिज्म होता है कि वो एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब भी वो कनेक्टेड हो जाएंगे किससे, स्विच से। तो यहाँ पे यही है कि ये ट्रिपिंग अरेंजमेंट जो है हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे कब, जब टेम्परेचर हमारा सडनली 40 डिग्री सेल्सियस से अबव इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ये ट्रिपिंग अरेंजमेंट्स क्या होंगे, ये हमारे इंक्रीज सडनली एक्टिवेट हो जाएंगे। और यहाँ पे ट्रिपिंग फॉर कूलिंग फ्लो फेलियर, अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि यहाँ पे हम कूलेंट भी यूज़ करते हैं सारी जगह में, थर्मल शील्डिंग में भी, उसके बाद हो गया मॉडरेटर्स में भी और रिएक्टर वेसल में भी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा कूलिंग फ्लो फेलियर होता है ना, मतलब जैसे कि अगर कूलेंट का जो फ्लो है वो किसी वजह से क्या हो गया, फेल हो गया। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, देयरफॉर अ करंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू मॉनिटर द करंट इन ईच मोटर ऑफ कूलेंट सर्कुलेटर। तो उसी फेलियर को रोकने के लिए यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक ट्रांसफार्मर रखते हैं साथ में सेपरेट। तो वो क्या करता है, वो मॉनिटर करता है इस सप्लाई को कि मतलब जैसे ये हमारा क्या हो, कूलेंट का जो फ्लो है वो फेलियर ना हो जाए। तो एक तरह से एक ट्रांसफार्मर रखा जाता है उनकी फ्लो लाइंस के पास में भी। अगर फ्रेंड्स, अब मान लीजिए ये सब भी हमारा फेल हो गया, ये सारा अरेंजमेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक्सप्लोड ना हो, अगर ये सब भी फेल हो गया तो फर्दर हमारे पास क्या अरेंजमेंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, यहाँ पे क्या है, फ्यूल एलिमेंट क्लैडिंग। मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम क्या होता है, फ्यूल एलिमेंट के लिए भी हम यहाँ पे कवरिंग रखते हैं। क्लैडिंग का मतलब क्या होता है, कवर, एक कवर बनाना किसी चीज़ के आस चारों तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल एलिमेंट क्लैडिंग, मतलब यहाँ पे जहाँ पर हमारे न्यूक्लियर फ्यूल्स रखे हुए होते हैं वहाँ पे भी उसकी चारों तरफ कवरिंग होती है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था थर्मल शील्डिंग हो गई, जैसे रिएक्टर वेसल तीन चीज़ कंटेन करता है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल एलिमेंट क्लैडिंग, रिएक्टर वेसल हमारे पास होते हैं, उसके बाद हो गया रिएक्टर शील्डिंग जो हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन, अल्फा रेज, बीटा रेज और न्यूट्रॉन्स भी, उसके बाद कंटेनमेंट शेल। अब फ्रेंड्स, ये कंटेनमेंट शेल क्या होते हैं वो हम अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वीडियो के। ये कंटेनमेंट शेल मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कंटेनमेंट शेल्स में क्या होता है, यहाँ पर हम ये एक तरह से एक बोरोसिलिकेट के होते हैं कंटेनमेंट शेल्स जो काम आते हैं न्यूक्लियर वेस्ट को भी डिस्पोज करने में, तो इसका अभी हम आगे पढ़ेंगे।
नाउ फ्रेंड्स, सेकेंड डाउट इज़, ये जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है हम इसे कैसे डिस्पोज करते हैं जिससे इसका कोई इफेक्ट लोकल एनवायरनमेंट पर ना पड़े। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट होगा, जैसे कि सॉलिड रेडियो एक्टिव वेस्ट जो हमारा आएगा कहाँ से, यूज फिल्टर से। सेकेंड आएगा हमारा स्लज जो आएगा हमारा कूलिंग पॉइंट से। अब फ्रेंड्स, कूलिंग पॉइंट का भी हमारा एक रोल होता है पावर जनरेशन में, वो हम मैं आगे इसकी एक वीडियो बना दूंगा। अब साथ ही साथ में कौन सा वेस्ट होगा, पीसेज ऑफ डिस्कार्डेड फ्यूल एलिमेंट कैंस। अब फ्रेंड्स, जिसमें हम जिस कैंस में हम फ्यूल रखते हैं उनका वेस्ट जो अब यूज़ नहीं है जिनका प्लांट में। साथ ही साथ में किसका, कंट्रोल रॉड्स। अब जो हमारी कंट्रोल रॉड्स ख़राब हो जाती हैं, जिन्हें फेंक चुकी हैं प्लांट में, जिनका कोई यूज़ नहीं है, वो यूज़लेस हैं, अब उसका वेस्ट। तो इन सब को हम कहाँ रखते हैं, इन सब को हम उसी साइट पर रख देते हैं जहाँ पर पावर प्लांट है। किसके अंदर, शील्डेड स्टोरेज वॉल्ट्स के अंदर। वॉल्ट होते हैं हमारे, और वो क्या होते हैं, शील्डेड, जिससे क्या हो, उन जो हमारे वेस्ट है उसकी रेडिएशन ना जाए बाहर नेबरहुड में। तो इसलिए सारा वेस्ट हम कहाँ रख देते हैं, शील्डेड स्टोरेज वॉल्ट में, उसी साइट पर। अब फ्रेंड, जैसे कि अब हमारा कोई वेस्ट हुआ किसमें, रेडियो एक्टिव ग्लास हुआ मान लीजिए, तो क्या होगा, रेडियो एक्टिव ग्लास जो होगा वो हम रखेंगे किसमें, बोरोसिलिकेट ग्लासेस में। उसके बाद उन बोरोसिलिकेट ग्लासेस को रखेंगे लीक टाइट कैप्सूल्स में, जिससे हमारा क्या हो, उसके अंदर बाहर से बाहर रेडिएशन ना जाए। साथ ही साथ में फिर उसके बाद क्या होगा, उन टाइट कैप्सूल्स को हम रखेंगे डीप सॉल्ट माइंस और वेल्स में। अब ये टाइट कैप्सूल्स को हम डीप सॉल्ट माइंस और कैप्सूल्स वेल्स में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये नोटिस करा गया है कि ये जो डीप सॉल्ट माइंस हैं या फिर वेल्स हैं, इनमें विसिनिटी ऑफ वाटर नहीं होता, पानी की बिल्कुल भी पानी की बिल्कुल भी एक कण भी नहीं होता पानी का, ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, हम इन टाइट कैप्सूल्स को बिल्कुल डीप सॉल्ट माइंस के अंदर रखते हैं, बिल्कुल अंदर या फिर वेल्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं होता। अगर ये पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आ गए तो ये फिर दोबारा रिएक्टिव हो जाएंगे, इसलिए इन्हें डीप सॉल्ट माइंस में रखते हैं। उसके बाद हो गया जो हमारे रेडियो एक्टिव लिक्विड एफ्लुएंट्स होते हैं, मतलब जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है लिक्विड फॉर्म में, उनको हम पास कराते हैं फैन एक्सचेंज से, फैन एक्सचेंज रेजिन से। तो क्या होता है, उससे जो हमारा जो उनके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है, कुछ भी होता है रेडिएशन, तो वो सब चीज़ें फ्लश आउट हो जाए, उसमें से निकल जाए लिक्विड, रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट से। साथ ही साथ में जो हमारी रेडियो एक्टिव गैसेज होती हैं, अब गैसेज भी तो ऐसा वेस्ट हो सकती है ना, तो उनको क्या करते हैं, उनको फिल्टर कर देते हैं, जिससे क्या होगा, उनके 99% जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, 99% जो पार्टिकल होते हैं जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है, वो रिमूव हो जाए। जब भी क्या होगा, रेडियो एक्टिव गैसेज जो होंगी वो हमारी, अगर उनको हम क्या करेंगे, फिल्टर करा देंगे, जिससे उनके जो पार्टिकल्स हैं 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा जिसका भी है वो निकल जाए। नाउ द रेडियो एक्टिव गैसेज आर प्रिवेंटेड बाय शील्डिंग कूलिंग एयर। अब रेडियो एक्टिव गैसेज को हम कूलिंग एयर से भी पास करा के उसमें से मेजर प्रॉपर्टी या फिर प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ही था हमारा एक सारा सेफ्टी एंड न्यूक्लियर वेस्ट, कि हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की सेफ्टी कैसे करें और उसमें से निकलने वाला वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।